प्रेज द लॉर्ड मेरे तो प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। इस चैनल पे आपका स्वागत है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना के द्वारा। पिता परमेश्वर जो भी तू से प्रेम करता है वो चमत्कार देखेगा, मिरेकल देखेगा, जैसा आपने वचन दिया है। हाँ और आमीन पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जी तो जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए एक संदेश दिया था उन्हें। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो तो मिरेकल आपका इंतजार कर रहा है, चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है, आशीष आपके इंतजार कर रही है। ये मैं नहीं, वचन बोलता है। वचन क्या कहता है, आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन कहता है पहला कुरंतियों 2 अध्याय उसका 9 वचन, पहला कुरंतियों 2 अध्याय का 9 वचन कहता है, परंतु जैसा लिखा है जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़ूंगा और समझाऊंगा। जो बातें आँख ने नहीं देखी, अभी तक आपने क्या नहीं देखा, चंगाई नहीं देखी, मिरेकल नहीं देखा, अभी आप क्या देख रहे हो, सुबह उठ के अरे ये परेशानी, अरे वो परेशानी, अरे ये सरदर्द, वो सरदर्द, कर्जा, नौकरी नहीं, यही देख रहे हो। लेकिन तब भी आप इसी कंडीशन में आप प्रभु से प्रेम रख रहे हो। ये प्रेम आपका निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन आपको कुछ नहीं मिला फिर भी प्रेम है। फिर क्या लिखा है, और कान ने नहीं सुनी, अभी तक आपने अच्छे समाचार नहीं, गुड न्यूज़ नहीं सुनी। अब जून आ गया, आपने बीज भी बो दिया, सब कुछ कर दिया, और क्या लिखा है, कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, बिल्कुल भी है ही नहीं दिमाग में कि ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ, अच्छा भी हो सकता है। दिमाग में क्या हो रहा है, पता नहीं रिपोर्ट कैसे आएगी, पता नहीं संतान कैसे होगी या शादी कब होगी, मतलब बुरे बुरे ख्याल आ रहे। चित्त पे क्या अच्छी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रेम कर रहे हो। ब्लेसिंग, बड़ी ब्लेसिंग जो आपका आसपास भी नहीं दिख रही, वो आपके जीवन में आने को वेट कर रही है। जो बातें मनुष्य चित्त पे नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, तैयार हो चुकी है। वो ब्लेसिंग जो आप अभी नहीं देख पा रहे, चाहे वो चंगाई हो, मिरेकल चंगाई हो, एक ब्लेसिंग जॉब हो, संतान की आशीष हो, शादी की आशीष, स्पेशल आशीष हो, जो आशीष अभी तक आप नहीं देख रहे, वो आशीषें आपके जीवन में आ रही है। किनके जीवन में, जो यीशु मसीह से, परमेश्वर से, वचन से प्रेम करते हैं। आप प्रेम करने वाले हो तो सारी आशीष आपकी है। बेशक अभी आप सब कुछ उल्टा फुल्टा देख रहे हो, बिखरा हुआ देख रहे हो, लेकिन प्रभु स्वर्ग के सिंहासन बैठा है, सब कुछ नियंत्रण पे है, आपका वेट कर रहा है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, आज हाथ उठा के मैं इनके लिए आशीष की घोषणा करता हूँ। जितने भी लोग देख रहे हैं आज, ये लोग आशीषित हो रहे हैं, ये लोग तुझसे प्रेम करने वाले, बीमार है, गरीब है, परेशान है, हताश है, निराश है, फिर भी आपसे प्रेम करते हैं, आपके वचनों से प्रेम करते हैं। पिता परमेश्वर तेरे वचनों से, प्रार्थना से प्रेम करते, समय निकाल के प्रार्थना देखते हैं, करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं पिता, तो ये वही लोग हैं पिता जो आपसे प्रेम करते हैं। और आपने कहा है अपने प्रेम रखने वालों के लिए आपने तैयार किया अद्भुत बातें, वो अद्भुत बात इनके जीवन में प्रकाशन दे, वो अद्भुत चंगाई, वो अद्भुत मिरेकल, वो अद्भुत टेस्टिमनी इनके जीवन में आ पाए पिता, और ये गवाही के तौर पर पिता वापस आ सके। जो अभी तक इन्होंने नहीं देखा वो देखे, जो नहीं सुना वो सुने, सारी आशीष इनके जीवन में आए। हाँ और आमीन, ऐसा हो के मैं विश्वास करता हूँ, लोग गवाही के साथ आ रहे हैं, विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। मेरे जी जून के महीने की बता रहा हूँ मैं आपको, जून का महीना बहुत अद्भुत है, गवाही आ चुकी है, आपकी भी गवाही आएगी। परमेश्वर पिता आपको आशीषित करे, जरूर अपना हृदय जो इस जून में खासकर बोला गया है जरूर देना, मिस मत कर देना, बहुत कुछ पाओगे। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।